हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम साइंस पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपकी 11 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से जीवों की जोड़ी की पहचान कीजिए जो द्विआधारी विखंडन द्वारा प्रजनन करती हैं। ये क्वेश्चन 7 जनवरी 2022 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, इन सेकंड पेपर में आया हुआ है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करा चुकी हूँ और आपको बताना है कि इसमें जो बाइनरी फिजन है किन में होगा। तो अगर बाइनरी फिजन की बात करें तो इसमें बेसिकली होता क्या है, एक पेरेंट सेल टू आइडेंटिकल सेल में डिवाइड हो जाती है। अब मल्टीपल की अगर बात करें तो इसमें कई सारे आइडेंटिकल सेल्स में डिवाइड हो जाती है। यहाँ जो एग्जाम्पल्स आप देखने को आपको मिलेंगे वो अमीबा हो जाता है, पैरामीशियम हो जाता है, इसके अलावा और भी कई सारे जीव देखने को आपको मिल जाएंगे। अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ अमीबा पैरामीशियम थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के बिहाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अंजलि एक टीचर है जो छात्रों को एक वाटर साइकिल का कॉन्सेप्ट सिखाना चाहती है। मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, मैं बच्चों को वाटर साइकिल का कॉन्सेप्ट सिखाना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि कॉन्सेप्ट सीखने से पहले बच्चे एक्टिविटीज के थ्रू ऑब्जर्व कर पाए। इसलिए मैंने बच्चों को एक ऐसी एक्टिविटी दी जिसे वो घर में कंडक्ट करें और ऑब्जर्व करें। अब वाटर साइकिल से रिलेटेड एक्टिविटी है तो हम ये बात पर फोकस करेंगे कि हमें ऐसी एक्टिविटी बच्चों को प्रोवाइड करना है जिसमें वाटर साइकिल के जितने भी स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व हों, ज्यादा से ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हों। अगर वाटर साइकिल की बात करें तो आपको 3 मेन स्टेप देखने को मिलते हैं जिनमें आपका आ जाता है वाष्पन, संघनन एंड प्रतिवर्षा। तो हम क्या करेंगे, बच्चों से कह सकते हैं कि बच्चों आप एक क्लोज जार ले लीजिएगा, उसमें क्या कीजिएगा, आप एक उबलता हुआ यानी कि आपको उबलता हुआ पानी डालना है। उबलता हुआ पानी आप डालोगे, गर्म वाटर है यानी कि हॉट वाटर है, तो उससे क्या निकलेगी, भाप निकलेगी। भाप निकल के ढक्कन के पास में जमा होगी यानी ऊपर जमा होगी, तो वो एक क्लाउड के जैसे में आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। ऊपर रखी हुई है बर्फ, बर्फ क्या करेगी, धीरे धीरे भाप, जो भाप बन चुकी है, वाष्प बन चुकी है, उसको ठंडा करेगी, और जैसे जैसे वाष्प ठंडा होगी वो बूंदों के रूप में नीचे चली आएगी। यानी कंप्लीट वाटर सर्कल के जितने भी स्टेप्स हैं सभी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये एक्टिविटी हम बच्चे को करने के लिए दे सकते हैं। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि एक प्लेट पर उबलते पानी की भाप को उसके ऊपर एक आइस क्यूब के साथ इकट्ठा करें। तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन सबसे बेस्ट एक्टिविटीज के थ्रू आप बच्चे को कॉन्सेप्ट को सिखा सकते हैं, ऑब्जर्वेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा जो एक्टिविटीज दी गई हैं ठीक है, सही है, लेकिन इनमें सभी वाटर साइकिल के स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन की अगर बात करें तो इसमें दिया गया है कि रेनिल एक टीचर है जो अपने छात्रों को एरोबिक और एनारोबिक श्वसन विषय पर शोध और एक छोटा नोट तैयार करने के लिए कहती हैं। यानी एक टीचर हैं जिनका नाम है रेनिल, उन्होंने बच्चों से कहा कि एरोबिक और एनारोबिक श्वसन पर आपको क्या करना है, एक रिसर्च करनी है, और जितने भी आपको इम्पोर्टेंट इलेमेंट यानी कि जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको दिखते हैं उस रिसर्च में या जो भी आप उसमें एक नया कुछ खोज पाते हैं उन सभी को आपको नोट डाउन करना है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एरोबिक और एनारोबिक श्वसन होता क्या है। तो अगर एरोबिक श्वसन की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हम सांस लेते हैं, मनुष्य जब सांस लेता है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, बिना ऑक्सीजन के आप सांस नहीं ले सकते। अगर आपको किसी ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए जिसमें ऑक्सीजन ना हो तो आप ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाएंगे। यहाँ आपको इस इमेज से एकदम क्लियर हो रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। एनारोबिक की अगर बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिना ऑक्सीजन के भी प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। ये प्रोसेस आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो श्वसन प्रक्रिया में उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये तो हमने समझ लिया कि एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली होता क्या है। अब हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक टीचर ने बच्चे से कहा कि आपको एनारोबिक एंड एरोबिक श्वसन से रिलेटेड रिसर्च करनी है, जो भी आपको पॉइंट दिखते हैं, जो भी आप रिसर्च करते हैं उसको नोट डाउन करना है। उसके बाद टीचर ये चाहता है कि जो एक्टिविटी मैंने बच्चों को दी है उसी से रिलेटेड मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछूं, कुछ ऐसे क्वेश्चन बच्चों से पुटअप करूं जिससे बच्चे स्वयं का आकलन कर पाए। यहाँ बात की जा रही है असेसमेंट एज लर्निंग, और असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट, स्वयं का आकलन, यानी बच्चे स्वयं का आकलन कर पाए।
पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपने कैसे तय किया कि एरोबिक और इनारोबिक श्वसन के किन पहलुओं को आपको नोट में शामिल करना चाहिए। आपने बच्चे से पूछा कि जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है, जो रिसर्च किया है एरोबिक और इनारोबिक से रिलेटेड, तो जो भी पॉइंट आपने नोट डाउन किया है वो आपने क्यों किया है, क्यों मतलब कैसे आपने ये एनालाइज किया, कैसे डिसाइड किया कि इन पॉइंट्स को आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, बच्चा खुद की थिंकिंग इन्वॉल्व कर पाएगा, बच्चा खुद सोच पाएगा कि हाँ ऐसा मैंने क्यों किया है, इसके पीछे रीजन क्या है, यानी वो सेल्फ असेसमेंट कर पा रहा है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कैसे तय किया कि सीटेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो आप क्या करोगे, सेल्फ असेसमेंट करोगे, खुद सोचोगे कि हाँ मैंने क्यों किया होगा। यानी जब बच्चा ये सोच पाए कि उसने जो भी एक्टिविटी की है वो क्यों की है, उसके पीछे का रीजन क्या है, उससे उसने क्या सीखा है, तो ये सभी क्या आ जाएंगे, ये सेल्फ असेसमेंट के पार्ट है, एलिमेंट है। तो यहाँ फर्स्ट तो ऑथेंटिक है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड भी पढ़ लेते हैं। सेकेंड कह रहा है एरोबिक और एनारोबिक श्वसन की अपनी समझ को मजबूत करने के लिए आप अनुसंधान के किन अन्य स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं। इसमें बच्चा ऑब्जर्वेशन का यूज करेगा, यानी कि रिसर्च करने के लिए वो कौन कौन से नए टूल्स का यूज करेगा, तो ये क्या है, ऑब्जर्वेशन का पार्ट हो जाएगा। थर्ड कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति या कमी विभिन्न जीवों में श्वसन की घटना को कैसे प्रभावित करती है। तो इसमें क्या होगा, इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट सॉरी समेटिव असेसमेंट हो रहा है, क्योंकि आप बच्चे की नॉलेज को चेक कर रहे हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, समेटिव असेसमेंट हो जाएगा। फोर्थ में कह रहा है कि आपको क्यों लगता है कि एरोबिक और एनारोबिक श्वसन दोनों प्रकृति में महत्वपूर्ण है, यहाँ भी सेल्फ असेसमेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक है, सबसे ज्यादा जो करेक्ट है वो आपका फर्स्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट में बच्चे के सेंसेस ज्यादा इन्वॉल्व है, उसमें उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग ज्यादा इन्वॉल्व है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक साधारण पेंडुलम की समयावधि यानी टाइम पीरियड क्या होगा यदि उसकी लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए। यानी एक पेंडुलम है, उसकी लेंथ को अगर आप 4 गुना बढ़ा देंगे कि तो उसके टाइम पीरियड में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जिन्हें भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है वो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, सिंपल पेंडुलम का। तो अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 2π√L/g। एल क्या है, लंबाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लंबाई हमने 4 गुना कर दी, जब हम 4 गुना कर देंगे तो हमारा जो नया टाइम पीरियड आएगा वो ऐसा कुछ फॉर्मूला बन के निकल आएगा, और इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन से हमने यहाँ टी रख दी, यानी जो नया टाइम पीरियड निकल के आएगा वो पुराने टाइम पीरियड का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 गुना हो जाता है, यानी ट्वाइस हो जाएगा, तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पानी के एक नमूने में 96 डिग्री सेल्सियस का क्वथनांक है। यानी आपने क्या किया, एक वाटर का सैंपल लिया, उसको आपने बॉयल किया और आपने ये ऑब्जर्व किया कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 96 डिग्री सेल्सियस है। नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं कि जो पानी होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यहाँ क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है। क्यों कम हुआ है, इसका रीजन आपसे पूछ रहा है। पहला रीजन दिया गया है कि इस नमूने में कुछ अशुद्धियां मौजूद है, यानी जो हमने वाटर का सैंपल लिया है उसमें इम्प्योरिटीज मिक्स है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर पानी में इम्प्योरिटीज मिक्स है या आप कुछ अशुद्धियां मिक्स कर दीजिए तो वो पानी के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देगा, ना कि कम करेगा, तो यहाँ पहला तो गलत हो जाता है। सेकेंड कह रहा है कि जो आपने सैंपल लिया है वाटर का वो समुद्र के पानी का है, तो ऐसा तो कहीं मेंशन नहीं है कि समुद्र के पानी में कुछ अशुद्धियां नहीं होती हैं। समुद्र के पानी में बहुत सारी अशुद्धियां देखने को मिलती हैं, दुनिया भर के नाले, दुनिया भर की नदियां उसी में समुद्र में गिरती हुई आपको नजर आएंगी, जो कूड़ा कचरा वो भी समुद्र में गिराया जाता है। तो समुद्र के पानी में क्या, इम्प्योरिटीज तो मिक्स है, अगर पानी में इम्प्योरिटीज मिक्स है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी सेकेंड भी आपका गलत हो गया। थर्ड कह रहा है कि पानी को अधिक ऊंचाई पर उबाला जा रहा है, समझने की कोशिश करते हैं इस स्टेटमेंट को। यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ एक नॉर्मल वाटर को यानी कि एक प्योर वाटर को सी लेवल पे जब गर्म किया जाता है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता जाएगा। जैसे कि सी लेवल पर 100 डिग्री सेल्सियस था, सी लेवल से आप जब 6000 फीट ऊपर जाते हैं तो वहां जो आप बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे वो 93 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा।
उसके ऊपर जाएंगे तो 90 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, उसके ऊपर जाएंगे तो और कम हो जाएगा, यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, यानी जो थर्ड ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, ओनली सी, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। और उसके बाद एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि सी लेवल से ऊपर जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, लेकिन सी लेवल से अगर हम नीचे जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे डेड सी, मृत सागर का नाम आपने सुना होगा, मृत सागर समुद्र के लेवल से 427 मीटर नीचे है, वहां पर अगर आप बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे तो वहां बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो होता है 101.4 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो यहाँ इमेज में एक्सप्लेन किया गया है, आप चाहे तो रीड कर सकते हैं, ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे डाउनलोड करना है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसलों की एक जोड़ी है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको मेनली थ्री टाइप की फसल आपको देखने को मिलेगी, एक है खरीफ, दूसरी है रबी, तीसरी है जायद। खरीफ की फसलें वो होती हैं जो जिन्हें हाई वाटर रिक्वायरमेंट होती है, जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इन्हें मानसून फसल के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको जुलाई से अक्टूबर के बीच में देखने को मिलेगी। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन और मूंगफली, जूट, उड़द दाल, मूंग दाल, तुअर दाल, ये सभी क्या है, ये खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसलों की अगर बात करें तो इन्हें विंटर क्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको अक्टूबर से फरवरी के बीच में देखने को मिलेगी, जिनमें आ जाते हैं आपका गेहूं, जौ, चना, मटर और सरसों, ये सभी रबी की फसलों में आ जाती है। अगर जायद की फसलों की बात करें तो आपने तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा गर्मी के सीजन में आप खूब खाते होंगे, ये सभी क्या है, ये जायद की फसलें हैं जो आपको समर क्रॉप्स के नाम से जानी जाती हैं, और ये आपको मार्च और जून के महीने में देखने को मिलेगी। तो यहाँ हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। हमसे पूछ क्या रहा था, खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलें क्या कौन सी होती है, मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, धान और मक्का, यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। इस क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक अपने छात्रों को बंद विद्युत सर्किट की अवधारणाओं को समझाने के लिए मानव संचार प्रणाली का उदाहरण देता है। वो हृदय की तुलना बैटरी से और रक्त के प्रवाह की तुलना विद्युत प्रवाह के प्रवाह से करती है, वो किस शैक्षणिक उपकरण का उपयोग कर रही है। समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, मैं बच्चों को क्लोज सर्किट के कॉन्सेप्ट को समझाना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया, बच्चों को समझाया कि जैसे कि हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वैसे ही क्लोज सर्किट भी होता है, यानी जो काम बैटरी का होता है वही काम हमारे हृदय, हमारे बॉडी में हार्ट का होता है। यानी हार्ट क्या है, एक सोर्स है पावर का जो हमें, हमारी बॉडी को पावर प्रोवाइड करता है, वैसे बैटरी भी एक पावर का सोर्स होती है जो पावर प्रोवाइड करती है, यानी करंट को फ्लो करती है। यहाँ जो है वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का कंपेरिजन किससे कर रही है, फ्लो ऑफ करंट से, यानी यहाँ समरूपता को दिखा रही है, क्या क्या दोनों में समरूप चीजें हैं, क्या क्या चीजें मिल रही हैं। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा करेक्ट होगा, यहाँ सबसे ज्यादा जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सादृश्य यानी एनालॉजी, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन की अगर बात करें तो थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर, अपर प्राइमरी स्टेज की बात कर रहा है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ बात की जा रही है अपर प्राइमरी स्टेज की। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा के संबंध में एनसीएफ 2005 की सिफारिशों के साथ संरेखित नहीं है, यानी आपको निगेटिव स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। पहला कह रहा है कि प्रयोग से बचना चाहिए क्योंकि इस स्तर पर उनका संचालन करना मुश्किल है, यानी अपर प्राइमरी स्टेज पे बच्चों को एक्सपेरिमेंट नहीं करवाने चाहिए क्योंकि वो अच्छे से एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे, वो इस लेवल के लिए तैयार नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, नहीं, हम प्राइमरी स्टेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपर प्राइमरी स्टेज की बात कर रहे हैं, और अपर प्राइमरी स्टेज पे बच्चा इस काबिल बन जाता है कि वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है, ऑब्जर्वेशन कर सकता है। तो यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट निगेटिव है, पूछ भी रहा है हमसे निगेटिव, यानी इस क्वेश्चन के बिहाफ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के शिक्षण और सीखने के लिए पूछताछ आधारित दृष्टिकोण के साथ सबसे अधिक संरेखित है, यानी साइंस के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच कौन से क्वेश्चन में सबसे ज्यादा लागू हो रहा है। पहला है पाठ्य पुस्तक में निर्धारित गतिविधियों को पूरा करने वाले छात्र, क्या ये इंक्वायरी बेस्ड है, नहीं, बच्चा कोई इंक्वायरी कर रहा है टीचर से, नहीं कर रहा है, यानी फर्स्ट तो आपका गलत हो जाएगा, आपको इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग फाइंड करना है।
लेकिन कह रहे हैं कि छात्र समूहों में बैठकर एक साथ जांच की योजना बना रहे हैं। जब बच्चे समूह में किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनमें क्या होगा, एक तो कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी, साथ में वो डाइवर्जेंट थिंकिंग कर पाएंगे, ऑब्जर्वेशन भी कर पाएंगे, यानी यहाँ बच्चे के कई सारे सेंसेस इन्वॉल्व हैं, ये तो ऑप्शन हो सकता है। थर्ड कह रहा है खिलौनों के माध्यम से विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रदर्शन करने वाले शिक्षक, एक टीचर बच्चों के सामने डिफरेंट टॉयज से कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहा है, जरूरी तो नहीं सभी बच्चे एक्टिव हो सकता है जो बैक बेंचर हैं, जो पीछे बैठते हैं बच्चे, वो कुछ अलग ही अपनी एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो इसमें बच्चा एक्टिव है या नहीं है इस बात का हम पता नहीं लगा सकते हैं, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही नहीं होगा इस क्वेश्चन के बिहाफ पे। फोर्थ कह रहा है कि शिक्षक छात्रों को होमवर्क के रूप में इनोवेटिव एक्टिविटीज करने के लिए दे, आप एक टीचर है आपने बच्चों को इनोवेटिव एक्टिविटीज करने के लिए दे दी और घर जाके करता है या नहीं करता है इस बात का आप पता लगा सकते हो, इजिली आप नहीं पता लगा सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट डे बच्चा स्कूल आता है उसने कहा हाँ हमने एक्टिविटी की थी और ये रिजल्ट आए थे, उसके सिस्टर ने उसकी हेल्प कर दी और उसने लिख लिया कॉपी में कि हाँ ये रिजल्ट आए थे। तो यहाँ सबसे ज्यादा जो एक्टिव है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे के सेंसेस एक्टिव है, वो किसमें है, सेकेंड में, यानी हम सेकेंड ऑप्शन के साथ सही टिक लगाएंगे, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धातु एक्स अपने नमक के घोल से धातु वाई और धातु जेड को विस्थापित कर देता है, यानी एक्स जो है वो वाई और जेड से ज्यादा एक्टिव है, एक्स वाई और जेड से ज्यादा एक्टिव है। फिर कह रहा है वाई अपने नमक के घोल से धातु डब्लू को विस्थापित कर देती है, यानी वाई जो है वो डब्लू से ज्यादा एक्टिव है, लेकिन जेड अपने नमक के घोल से डब्लू को विस्थापित नहीं करता, डब्लू किससे ज्यादा एक्टिव है, जेड से ज्यादा, यानी वाई इन दोनों से ज्यादा एक्टिव है और एक्स इन तीनों से ज्यादा एक्टिव है, तो सबसे ज्यादा एक्टिव कौन सा हो जाएगा, सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाएगा एक्स, और सबसे कम एक्टिव कौन सी धातु है, सबसे कम एक्टिव है आपकी जेड, तो यहाँ एक्स और जेड का कॉम्बिनेशन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सबसे आपसे पूछा है कि सबसे अधिक और सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातुओं को आपको बताना है, तो एक सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है और जेड आपका सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स है, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन पे हम टिक लगा देंगे। ये सीरीज दी गई है जिसमें मोस्ट रिएक्टिव मेटल और लीस्ट रिएक्टिव मेटल के फॉर्म को दिखाया गया है, यानी कौन कौन से सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील होते हैं, कौन कौन से सबसे कम प्रतिक्रियाशील होते हैं, सीरीज में आपको सब कुछ मेंशन किया गया है, तो आप इसे रीड कर सकते हो, पीडीएफ को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, चैनल को आपको लिंक से चैनल को ग्रुप को ज्वाइन करना है, वहां आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किस ईयर में पूछे गए हैं, समय मेंशन किया हुआ है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ आया है, तो आप डेफिनेटली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स को, अपने आपके क्वेश्चन को क्लियर कर सकूं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्लासेस आपके एग्जाम तक चलती रहेंगी। थैंक यू।